फैलाना की। पीर दा मिल गया मैं खाना हूं होर थकासा दाना की। जद पीर दी मिल जगीर गई हो दुनिया मेरी अमीर गई। जद ताज महल विच बैठ गए फिर कुल्ली दे विच जाना की। खुशियां दूर नहीं तू रहना हुण रंजूर नहीं। हुण प्रेमियां खुशियां दूर नहीं तू रहना हुण रंजूर नहीं। सिर ते हाथ है सतगुर दा हुण दुखां नेड़े आना की। जद पीर दे दर्शन पा लेने हुण होर किसे थां जाना की। जद डिग पए ए चरनाच हुण होर था सीस चुकाना की। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजनवा जी प्यारी सत्संग जी, इंसान जब अपने अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब से मोहब्बत करता है तो उसे वो तमाम बरकतें मिलती हैं, तमाम नियामतें मिलती हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और उस रहमो करम के द्वारा जिंदगी की तमाम परेशानियां दुख मुसीबतें दूर होती चली जाती हैं। उस मालिक से प्यार मोहब्बत दृढ़ विश्वास जैसे जैसे जीव का बढ़ता जाता है वैसे वैसे घर में बरकतें घर कर लेती हैं। जो भी दुख दर्द परेशानियां जो भी मुश्किलें होती हैं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं या उनसे निकलने का रास्ता मिलता चला जाता है। तो हर इंसान को अपने परम पिता परमात्मा पे दृढ़ विश्वास सेवा सुमरण करते रहना चाहिए। ना अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती है। वो नजारे मिलते हैं वो लज्जत मिलती है जिसकी कल्पना भी जीव को नहीं होती।
पर यह मिलता तब तक है जब तक आदमी दृढ़ विश्वास और वचनों पे अमल करता है। जैसे ही विश्वास डगमगा गया और वचनों पे अमल करना बंद कर दिया तो इंसान धीरे धीरे खाली हो जाता है, और इंसान अगर बुराई की तरफ चल पड़ता है तो एकदम से खाली हो जाता है। फिर वो खुशियां, फिर वो आनंद, परमानंद बिल्कुल नहीं रहता, और इंसान बुरी तरह से तड़फता रहता है, व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है। तो भाई, अपने अंदर की तमाम कमियों को राम नाम के सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा दूर करो, ताकि मालिक की दया में रहमत हो, ताकि मालिक की खुशियों के आप हकदार बन सके। विदेशों से बात करना चाहते हैं, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से और सैक्रामेंटो अमेरिका से। बोलो भाई। पिता दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं आपकी दा बेटा पवन इंसान एडिलेड ऑस्ट्रेलिया तो बोल रहे हैं पिताजी। जी बोलो। पिता तुसी किवें हो? बेपरवाही दी रहमत है बेटा, तुसी दसो। बहुत बढ़िया पिताजी। पिताजी पहले तो एडिलेड की पूरी साथ संगत ते मेरे परिवार वालों नारा कबूल करो पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी साढ़े तो कोई भी गलती होगी, हो गलती कोई हो गई तो पिताजी मुझे माफ करो। मेरे पूरे परिवार वालों कोई भी गलती हो गई पिताजी सानू माफ करना, कोई भूल चुक गलती होगी तो पिताजी। जी बेटा, बचना जना करो, बाकी कोई अनजाने छुगी नारा ला दे बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ते पिताजी आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी हैगी पिताजी, ते उनके लिए भी आशीर्वाद दो पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद अभी प्यार ना रहो, मालक खुश दिल बेटा। बाकी पिताजी तुसी अपनी सेहत का ध्यान रखा करो पिताजी। बाकी वैसे असं दुआ मंगते हैं रब को भी तुसी लंबी उम्र हो ताजी पिताजी। आप पिताजी प्रियंका गल करना चाहती है? जी बेटा कराओ। दानन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी आप जी की बेटी प्रियंका इन सब बोल रही हूँ जी। पिताजी आप जी के लिए एक छोटी सी पोइम बनाई है, अगर आपके आगे हो तो सुनाना चाहती हूँ जी। हाँ सुनाए बेटा, सुनाए। पिताजी बोलने की हिम्मत देना जी। जी। आपकी हंसी से ही तो शहंशाह जी हर आंगन चहकता है, और आपकी खुशबू से ही हमारा भी आशियां महकता है। उस नजरे करम से हमारी जिंदगी को जो आपने जन्नत बनाया था, कर्जदार है आज भी पिताजी उस दिन के जब आपने हमें चरणों से लगाया था। इस जुबान पे दाता जी वो लफ्ज नहीं है जो रहमत आपकी गा सके। आज जो भी हैं हम और जो भी बनेंगे सब आपकी मेहर से ही पा रहे। लेकर सारी तुम तकलीफें खुशियां हमको देते हो, गलत चले गर हम राहों में उंगली पकड़ संभाल कर लेते हो। तेरे वक्त तेरी रहमत तेरी दया मेहर से जो नवाजा है हमको जो प्यार दिया, कैसे बयां करे दाता जी वो सारा ही बचपन जिसे रहमत से आपने सवार दिया। हॉस्टल की पापा वो मीठी यादें हमें आज भी याद आती हैं। आपकी हंसी के पापा जी हम तब भी दीवाने थे, और ये अदा आपकी हमें आज भी दीवाना बनाती है। इसी दिन श्री गुरसर में आपने अपने आशीर्वाद से जो आपने था बंधन बना दिया। आज एक साल हो गया अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर, आपका वक्त हमने भी तोहफे में चुरा लिया। गलतियां बहुत सी करते हैं, अकल से थोड़े कच्चे हैं, पर आप बिन हमको ऐसे लगता बिन माँ के हम बच्चे हैं। क्या मांगे आपसे आपके सिवा इस काबिल जो आपने बनाया है। आप कहते हो खुदा से खुदा को मांगो, पर हमने आप में खुदा को पाया है। फर्शों से उठाकर जो अर्शों पे बिठाया, कहां काबिल से उसके जो प्यार दिया। पर अपना भी ख्याल किया करो शहंशाह जी, तुम हो तो हम हैं ओ मेरे पिया। हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं गर अनजाने में हमसे हुआ हो कोई कसूर, पर रिक्वेस्ट आपसे एक ही है पिताजी, हमें दिल से ना करना दूर, हमें दिल से ना करना दूर। दाना जी बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
पिताजी आप जी कदम कदम पे साथ देते हो पिताजी। पिताजी आप जी की मेहर से आते यहाँ पे जॉब मिल गई पिताजी, और आज अपनी फर्स्ट सैलरी अपने पूरे परिवार की तरफ से पिताजी भलाई फंड में 1,01,000 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। जी बेटा, मालिक घरों में खुशियां दे, सेवा से मन लगे बेटा, मालिक से प्यार बढ़े। और मम्मी पापा आए हुए हैं, और राठौर से भी मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर आए हुए हैं पिताजी। सबको आशीर्वाद दो जी कि आपके वचनों पे सब चलते रहे पिताजी। आपसे और मी भाई सभी पिताजी, बस आप जी से आपको ही मांगते हैं, और आपकी अच्छी सेहत के लिए प्रमाद कर रहे हैं पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद परिवार आपके जो आए हैं, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, बैठ जाए बेटा जी। पिताजी आप जी का दिया सब कुछ है जी, बस पिताजी आप अपना ध्यान रखा करो पिताजी। जी बेटा। और पिताजी मैरिज एनिवर्सरी का केक बनाया है पिताजी, आप जी काट दीजिए। नारा लागे काट दें बेटा, और मालिक खुशियां दे, आपस में प्यार बढ़े, आशीर्वाद बेटा। दान दान सतगुरु तेरा ही आशा जी। जी बेटा बोलो। पिताजी मैं सनी सा सैक्रामेंटो यूएसए से बोल रहा हूँ पिताजी, आपका बेटा। जी जी बोलो बेटा। पिताजी आप जी का पिताजी की हाल है? ठीक बेटा, तुसी दसो। पिताजी आप जी भी सारे परिवार से पिताजी बहुत दया मेरा पिताजी, आशीर्वाद दो कि पिताजी अभी ऐसा ही सारी उम्र आप जी के चरणा ना लग के सेवा सिमरन से पिताजी परमात से वध तो वध अगे वधिए। जी बेटा। पिताजी सानू पता पिताजी असि अजकल देखते हैं पिताजी साड़ी उम्र के पिताजी मुंडे पिताजी की कुछ करते हैं पिताजी की दुख झल रहे हैं पिता जी, कई बार तो साड़ी अंदरों आत्मा पिता जी कंबल लग जाती है कि पिता जी जेकर आपने सानू साल के चरणा नाल ना लाया हुंदा पिता जी फिर साडा पिता जी की हाल हुंदा अज जी। पिता जी असि आप जी दे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो पिता जी सानू इन्नी दूर बैठे भी आपके चरणा नाल लाया होया पिता जी तुसी, ते पिता जी इन्निया खुशियां बख्शदे हो पिता जी, असि लिख बोल के सकते। जी बेटा, मालिक रहमत करने वाला है बेटा, जो बचना ते अमल करते हैं मालिक रहमत करता है। पिताजी बस पिताजी आप जी दया अंतर बना के रखो पिताजी, आज छोटे वचना से चलते रहिए पिताजी। जी बेटा। पिताजी एक शब्द सुनाना थी पिताजी, जे आप जी की आज्ञा हो तो। जी। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। ओनू चन किवें आखा जी, चन ते भी कागने जेड़ा बनू चकोर ठोडा बई उस रूडे पाल, तुरों तुसी ता मोर भी चुक चुक सजदा करते ने, ओनू फुला बच्चा जाके जा फुल छोटे वरके ने, ओनू फुला वरगा जाके जा फुल छोटे वरके ने। जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। पिताजी पिताजी अपने ब्रदर ना गल कर लो पिताजी थोड़ी। जी पिताजी दान दान सतगुरु तेरा पिताजी आप जी का बेटा 20% का स्टूडेंट पिताजी सैक्रामेंट यूएसए तो बोल रहे पिताजी। जी पिताजी थोड़ी बहुत प्यासे रहे, तुम हर पल हरेक वार हर टाइम साडे नाल पिताजी साई हुंदे आ, फिर भी इस दिन की कूल पैसे हो रहे पिताजी, बस थोड़े चरणा च यही हाथ जोड़ के बेनती है, बस सानू आप चरणा नाल लाई रखे वध सेवा सिमरन ते पिताजी पल बख्शो पिताजी। ते पिताजी एक पिताजी एक दसना सी कि असीं दोनों जणे ऐ ते मेरा ब्रदर पिता जी एक स्टूडेंट आ पिताजी शाह साहब जी बॉय स्कूल ते पिता जी प्रभात करवाया दोनों जने पिता जी थोड़ी सेहत की अच्छी कामना पिता जी 1,00,000 रुपया पिता जी जमा करा रहे हैं सानू करा दे। जी बेटा, मालिक करे खुशियां बख्शे, सेवा सिमरन च मन लगे, मालिक नाल प्यार वधे, सब नू आशीर्वाद बेटा सारे। हां जी पिता जी, बस इसे तरह ही वध तो वध सेवा सिमरन का पिता जी बहुत बख्शे पिता जी। जी पिता जी प्रसाद बना दो पिता जी,
जी बेटा मालक अगे दुआ कर दी हाँ, प्रसाद बन गया, सारे ले लो बेटा आशीर्वाद। जी बेटा। संजीव इन समय लोन ऑस्ट्रेलिया लाइव मैसेज है, प्यारे पिताजी आज मेरे बेटे अंश का पहला जन्मदिन है, एक है प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा आशीर्वाद, बच्चा ने एक अच्छा इंसान बने, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। सासंग एक्सपोर्ट सरी बीसी कैनेडा लाइव मैसेज है, प्यारे पिताजी आज कैनेडा में थैंक्स गिविंग डे, इसलिए आज हम सभी आप जी का सेवा अभियानों के लिए धन्यवाद करते हैं जी। आज कुछ सासंग ने उपवास भी रखा है, सासंग ने फूड बैंक में 28,290 रुपए बैंक में जमा करवाए हैं जी। बादाम है, प्रसाद बना दीजिए। कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं जी, अगले पेज पर है। दिस इज फॉर यू डैड, दिस इज ओनली फॉर यू, फॉर द फादर हु लव्स अस, फॉर द वन हु हैज हेल्प अस थ्रू ऑल आवर चाइल्डहुड फियर्स एंड फेलियर्स। वी नो दैट यू नो हाउ मच वी रिस्पेक्ट and admire you. What we want to let the people know it now, you are the best father and any child ever had. तो इसका अनुवाद करने की शायद जरूरत नहीं है, सबको पता चलेगा, फिर भी चलो, सिर्फ तुहाडे लई, एक पिता लई जो सानू बहुत प्यार करता है, उस लई जिसने साडे बचपन दे डर ते असल असफलतावां विच मदद की। असी जानते हैं कि तुसी जानते हो असी आप जी नूं किन्ना चाहते हैं, सत्कार करते हैं, पर अज असी दुनिया नूं दसना चाहते हैं कि तुसी अज तक किसी भी बच्चे नूं प्राप्त हुए डैड तो सर्वोत्तम डैड हो जी। साह संगत सरी एंड एब्सफोर्ड बीसी कैनेडा। जी बेटा सारी साह संगत तुसी नजर आ रहे हो, बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सिमन च मन लगे, घर च खुशियां आन, मालिक रहमो करम नाल नवाजे, सब नूं बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और ये प्रसाद बन गया बेटा, जो भी प्रसाद तुसी रखी बैठे हो सारे प्रसाद ले लो, मालिक करे खुशियां देवे, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी, दिन दुखी मध्य बैंक में 23,990 रुपए जमा करवाते हैं, बैंक में करवा रहे करवा दिए हैं, और लड़का लड़की से परिवार के 14 मेंबर। मरणोपरांत नेत्रदान का प्रण कर रहे हैं, नेत्रदान महादान बहुत बड़ी बात। लड़का अपने कॉलेज का एक स्टूडेंट है, आशीर्वाद बेटा। रमन इंसा पुत्र ओम प्रकाश इंसा जी के निवासी जीरा जिला फिरोजपुर पंजाब, लड़की का नाम नवज्योति इंसा पुत्री भूपेंद्र कुमार इंसा जी के निवासी बठिंडा जिला बठिंडा पंजाब, लड़का लड़की आपस में दिल जुड़ माला डालें। आशीर्वाद बेटा। शादी वाले दूसरे परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 2200 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 4 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का प्रण कर रहे हैं, नेत्रदान महादान। लड़के का नाम दीपक इंसा पुत्र चंद्रमोहन जी का निवासी लादू का मंडी जिला फाजल का पंजाब, लड़की का नाम रजनी इंसा पुत्री नंदलाल इंसा जी की निवासी मलोड़ जिला मुक्सर पंजाब, लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माल डालें। और आशीर्वाद बेटा, ये शादी वाले जितने भी परिवार आते हैं तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं भूलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी। जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा, ऐसे दो परिवार आए हैं जी, गोनियाणा मंडी बठिंडा से और गैरी पागी बठिंडा से। तो बेटा जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलो का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खुद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी किनारा लाके प्रवाह कर दो, मिट्टी है आत्मा को ज्यो तो मालिक निज धाम लेके जाता है। सो इधर भी प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मरहम जरूर देता है जी। घर जाने वाले सेवादार 8 से 20 दिन वाले प्रसाद ले लें बेटा, जितनी सेवा की है सेवा सिमर सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में खुशियां दे, सबको कहना भी देने आशीर्वाद भेजे, मालिक रहमो गर्म से नवाजे।
तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय स्त्री प्यार मोहब्बत से सज रहिएगा, बैठे रहिएगा, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का समय साधन के अनुसार जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय स्त्री प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो बहन या भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाई ने भाई वाली साइड में और बहनों ने बहन वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है जी। आश्रम में काफी जगह पर सेवा तली हुई है, जो भी सेवा करना चाहते हैं अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं जी। और कोई भी टेलर मास्टर है, नौकरी करना चाहता है, तो MSG एडम ब्लॉक में जाकर आप मिल लें जी। शाम के मजलिस का समय 5:30 बजे का है। अब पूज्य गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। पंडाल में बुजुर्गों के लिए जो कैबिन है, इनमें केवल बुजुर्गों ने बैठना है। लंगर भोजन जब भी आप आश्रम में ग्रहण करते हैं तो श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें, बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम।